के उस किस्त को चुकाना है। अरे भाई ये लोन आप 10 दिन बाद लेंगे तो 10 दिन पहले ले लो, 5 दिन लेंगे तो 5 दिन पहले ले लो। ये इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधन को प्रबंधन करना, समय पर ऋण चुकता ना करने के कारण 300 करोड़ रुपए का तो पेनल्टी है, पेनल्टी है ये बिजली विभाग की 300 करोड़ रुपए की। अरे भाई हम घर में भी देखते हैं कि नहीं देखते साहब, घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है। अगर ज्यादा लगता है तो चिंता होनी है, पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं, किसी से लाते हैं किसी से देते हैं। अरे आपको तो बैंक से लोन लेना था तो उसकी लोन की लेने की चिंता पहले क्यों नहीं की आपने? ये 300 करोड़ रुपए का जो भार है ये सिर्फ पेनल्टी है। ये लापरवाही देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, अरे कहां ले जाओगे? इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली भाजपा सरकार, जैसा मैंने बताया आपको, पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी 100 यूनिट मुफ्त देंगे, कभी 200 यूनिट मुफ्त देंगे। और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है, वो गफलत ये हो रही है जिनके 100 यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है, घर में बिजली नहीं जा रही है। उत्पादन वाला कह रहा है मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी, अब उनमें होड़ वहां लग गई, होड़ इसलिए लग गई कि वहां से बिजली का उत्पादन का कितना भार हो रहा है, आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी। अब जिसको 100 यूनिट देनी थी वो तो फ्री है, उसका घर तो बंद है, ताला लग रहा है, लेकिन उसका भी बिल देख लेना आप, मंगा लेना आप वहां रहते हो, 100 की 100 यूनिट का बिल जा रहा है, 90 का 95 का पूरा बिल जा रहा है, जिससे वो उत्पादन बारा किसान को 2000 जा रहा है। अरे किसान का कभी तो कम होता होगा भैया या ज्यादा निकलता होगा, लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी, अरे ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है जिससे उसके पैसे उसको मिल जाए, उसमें से आधा मेरा भी कहीं ना कहीं काम चल जाए। ये स्थिति पैदा बिजली के अंदर हो रही है। मैं आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ग्रामीण शहरी आमजन गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंड झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी, आहा कितनी बड़ी बात आई है। अरे भाई जी हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं, अरे हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हम को उसका फायदा लेंगे चाहे वो कोई भी हो। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी तो था, अरे छत्तीसगढ़ में तुम्हारा ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिए आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना, हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया, रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। ये होता है, अरे आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, अरे ऐसा क्या कर सकते हैं भाई, आपको लाना। लेकिन हुआ क्या, उसमें सौदा हुआ, सौदा ये हुआ कि साइड कोयले की कोई सी थी, साइड को दूसरी बता दिया, साइड को दूसरी बात बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उसमें आ रहा है कोयले में मिट्टी, कोयले में पत्थर, अब वो पत्थर और मिट्टी आएगा तो वो बिजली उत्पादन करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट है वो 56-53% बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो प्राइवेट है वो कितना कर रहे हैं, 75-74-76। भाई ये अंतर 20 का क्यों है? अरे आपको देखना चाहिए अंतर क्यों है, हमने तो अभी भी देखा है, हमने कहा है उनसे अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे, प्राइवेट जितना करे उसे थोड़ा बहुत 1% 2% कम हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, छिजत जाती है, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम कोई देखने वाला नहीं था? क्या कोई समझने वाला नहीं था? वही है प्लांट, लेकिन उस प्लांट में 50-53-55% पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75-74% पैदा हो रही है। ये कौन सा अंतर है, ये कौन सा घोटाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है।
एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई। अब हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केंद्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति हमने सुचारू की है, और उसमें भी मैं बताना चाहता हूं, अब कहोगे जो हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है उसे हमारा है सस्ती रेट में आ रहा है, अगर कोयला हमें नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है, आपके ही उसमें है वो 40% महंगा, बिजली वालों से पूछ लीजिए 40% महंगा आता है, 40% महंगा, 40% महंगा वो कोयला कोल इंडिया से आता 40% महंगा कोयला है, है? कौन आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो आपको कर रहा हूं ना, मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो।